अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख। और जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने बीच में शुरुआत किया था विंडोज़ 10 ट्यूटोरियल, और उसके बाद मैंने फिर बनाना छोड़ दिया, लेकिन फिर से मैं आज वापस आ गया हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं CMD, कि आखिर ये CMD को कैसे इस्तेमाल करना है। इसे दूसरे वर्ड में हम लोग MS-DOS भी कहते हैं। तो दोस्तों, CMD को खोलने के लिए विंडोज़ 10 में आप राइट क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको CMD का ऑप्शन आ जाएगा, अगर आपका पुराना वर्जन का विंडोज़ 10 होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता कि CMD को रिप्लेस कर दिया गया है विंडोज़ पावर शेल से। और दोस्तों, आप इस विंडोज़ पावर शेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसिक सिखाने के लिए मैं यहाँ पे CMD का इस्तेमाल करूँगा। तो CMD खोलने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे सर्च में जाना है और बस CMD लिखना है। जैसे ही आप CMD लिखेंगे, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, बस इस पर टैप करना है, और उसके बाद ये जो CMD है खुल जाएगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो CMD है पूरा का पूरा ब्लैक कलर का हमें मिल जाता है। और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको लिखा हुआ है कि ये विंडोज़ का वर्जन कौन सा है, और ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है, और सारे राइट्स जो है उसी के पास हैं। ये सब कुछ चीज़ें जो कि लिखी हुई हैं, लेकिन उसके जो नीचे चीज़ लिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप ये चीज़ को समझ जाएंगे कि क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ये सेफ्टी काम क्या करता है। दोस्तों, CMD को हम लोग कहते हैं MS-DOS। MS-DOS का मतलब होता है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अगर आप इस वर्ड को समझ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप समझ जाएंगे कि आखिर ये CMD का काम क्या है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट तो इसकी कंपनी के नाम हो गई, बाद में आता है दोस्तों डॉस, जो कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए हमारा हार्ड डिस्क है, या फिर दोस्तों सॉलिड स्टेट ड्राइव है, तो वो सब कुछ डिस्क हो गया। यानी कि हम लोग जो भी ड्राइव देखते हैं अपने कंप्यूटर में, जैसे कि मैं जाऊँगा यहाँ पे फाइल मैनेजर में, और जाऊँगा यहाँ पे PC में, तो आप देख रहे हैं मेरे PC में दो ड्राइव्स हैं, सी ड्राइव से डी ड्राइव से। दोस्तों, ये जो भी ड्राइव्स है दोस्तों, ये सब कुछ कंट्रोल करता है यह MS-DOS, इसीलिए तो इसका नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ये सभी ड्राइव्स को ऑपरेट करता है, चाहे वो सी ड्राइव के फाइल्स हो गए, चाहे वो डी ड्राइव्स के फाइल हो गए, चाहे आपके पास ई ड्राइव हो, चाहे आपने कोई फ्लॉपी लगाया है तो वहाँ पे ड्राइव बन जाएगा, चाहे आपने कोई CD लगाया है तो ड्राइव बन जाएगा, या फिर आपने कोई USB पेन ड्राइव लगाया है तो ड्राइव बन जाएगा। तो जो भी कंट्रोल होता है दोस्तों, वो MS-DOS ही करता है। तो सारे के सारे डिस्क को कंट्रोल कौन करता है, तो MS-DOS करता है। ये थी बेसिक दोस्तों। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर हम लोग इस MS-DOS से क्या कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप समझेंगे, सबसे पहला वर्ड तो लिखा हुआ है सी, और सी के बाद ये कोलोन दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे ये ऐसे दिया हुआ है। तो अगर आप दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे सी में जाते हैं, सी ड्राइव में, तो आप देखेंगे कि सी ड्राइव में जाने के बाद भी दोस्तों आपको यहाँ पे जो कमांड दिख रहा है वो सी के बाद कोलोन है, और फिर ये वाली स्लैश है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर में हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अभी सी ड्राइव के अंदर में घुस गए हैं, उसी तरह से दोस्तों हम लोग सी ड्राइव के अंदर में हैं। लेकिन उसके बाद भी आगे लिखा हुआ यूजर्स, तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि सी ड्राइव के अंदर में तो है, लेकिन हम लोग यूजर्स फोल्डर के अंदर में हैं। तो आप देखेंगे कि सी ड्राइव में एक यूजर्स नाम का फोल्डर है, तो हम लोग यूजर्स फोल्डर के अंदर में हैं। उसके बाद दोस्तों और है कि हम लोग द टेक स्टार फोल्डर के अंदर में हैं, यानी कि सी ड्राइव के अंदर हम लोग यूजर्स में हैं, और यूजर्स के अंदर हम लोग द टेक स्टार में हैं। तो जो भी स्लैश है दोस्तों, ये स्लैश दिखाता है कि कौन से फोल्डर के अंदर में है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो एरो है, ये दिखाता है कि आखिर हमारा लास्ट फोल्डर कौन सा है, जिसपे अभी हम लोग स्टे कर रहे हैं, जिसपे अभी हम लोग ठहर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि द टेक स्टार फोल्डर के अंदर ये ठहरा हुआ है। यानी कि आप देख सकते हैं यूजर्स के अंदर द टेक स्टार फोल्डर है, तो इसके अंदर ये यहाँ पे कहीं ठहरा हुआ है काम, और हम लोग जो भी चीज़ करेंगे वो चीज़ दोस्तों यहाँ पे होगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो फोल्डर हम लोग का यहाँ पे मिल जाता है, जिस तरह से आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है, बिल्कुल सेम तरीका दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग अभी द टेक स्टार फोल्डर के अंदर में है। तो चलिए कुछ बेसिक कमांड्स जान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि अगर आप को कोई भी फोल्डर बनाना है तो आखिर हम लोग क्या करेंगे। तो दोस्तों यहां पे फोल्डर बनाने के लिए जो कमांड आता है वो आता है MD, MD, MD। तो दोस्तों MD का क्या मतलब होता है, मेक डायरेक्टरी। तो MD मतलब मेक डायरेक्टरी, और इंग्लिश में दोस्तों जो डायरेक्टरी होता है उसे ही कहते हैं फोल्डर, और फोल्डर को डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को फोल्डर कहते हैं। दोस्तों अगर आप MD करेंगे मतलब मेक डायरेक्टरी, तो हम लोग कमांड दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर डायरेक्टरी बनाओ। तो MD करके अब हम लोग किस नाम से डायरेक्टरी बनाओ, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी मान लीजिए फोल्डर बनाते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, तो जो भी फोल्डर बनाते हैं दोस्तों तुरंत ये पूछता है कि आखिर आप उस फोल्डर का नाम क्या देना चाहते हैं। और अगर आप कुछ नाम नहीं देते हैं तो यहाँ पर न्यू फोल्डर हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे DOS से बना रहे हैं, MS-DOS से, यानी कि दोस्तों CMD से कोई फोल्डर बना रहे हैं, तो आपको नाम देना ज़रूरी है। तो जब भी दोस्तों आप लिखेंगे MD यानी कि मेक डायरेक्टरी, उसके बाद दोस्तों आप
स्पेस देंगे और उसका नाम लिखेंगे। तो मान लीजिए दोस्तों एमडी स्पेस टेक स्टार मैं दे देता हूँ, तो आप देख सकते हैं एमडी स्पेस टेक स्टार। अब दोस्तों ये हो गया, बस मुझे इंटर दबाना है। तो जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टेक स्टार नाम की फोल्डर अभी जो है जनरेट हो गई, कितनी आसानी से बन गई दोस्तों। मान लीजिए कोई दूसरा फोल्डर बनाना है तो एमडी स्पेस टेक स्टार शाहरुख, तो ऐसे करके मैं जो है फोल्डर बना सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अब टेक स्टार शाहरुख करके तीन अलग अलग फोल्डर बन गई। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों एमएस डॉस जो है वो स्पेसेस को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो अगर आप दोस्तों कोई एक नाम का फोल्डर बना रहे हैं तो आप उसके बीच में स्पेस नहीं दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर टेक स्टार लिखा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ तो एक ही नाम का दोस्तों यहाँ पर बन जाता है तीन तीन फोल्डर। तो यहाँ पर देख सकते हैं टेक अलग, स्टार अलग और शाहरुख अलग नाम से फोल्डर बन गई है। तो ये चीज़ होती है दोस्तों फोल्डर को बनाना। अब मान लीजिए हमें फोल्डर के अंदर घुसना है, क्योंकि हम लोग फोल्डर को बना लिए तो अब फोल्डर के अंदर भी तो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर हमें कुछ फाइल रखना होगा। तो फोल्डर के अंदर घुसने के लिए, तो मान लीजिए कौन से फोल्डर के अंदर घुसना है, तो मान लीजिए दोस्तों हमें स्टेक स्टार फोल्डर के अंदर घुसना है। तो स्टेक स्टार फोल्डर के अंदर कैसे घुसेंगे दोस्तों? फोल्डर के अंदर घुसने का जो है वो है CD, यानी कि एमडी से बनता है डायरेक्टरी, लेकिन CD से घुसते हैं हम लोग फोल्डर के अंदर। तो CD का क्या मतलब होता है दोस्तों? CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? मेक डायरेक्टरी है तो घुसने के अंदर होना चाहिए था दोस्तों कुछ घुसो डायरेक्टरी, या फिर दोस्तों कुछ ऐसा इंग्लिश वर्ड होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि भाई हमें फोल्डर के अंदर जाना है। तो यहाँ पर होना चाहिए था, मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पर हमें होना चाहिए था गेट इन साइड डायरेक्टरी, तो GID होना चाहिए था, होना चाहिए था ना? नहीं दोस्तों, यहाँ पर चेंज डायरेक्टरी क्यों दिया गया है? चेंज डायरेक्टरी इसलिए दिया गया है दोस्तों क्योंकि अगर आप किसी भी फोल्डर के अंदर जाते हैं तो आप क्यों जाते हैं? उसके अंदर कुछ बदलाव करने के लिए ही जाते हैं। आप उसके अंदर कोई फाइल देखने के लिए जाते हैं, और अगर आप वो फाइल देखते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी लिखा गया है। तो अगर आप CD लिखिएगा और CD स्पेस करके आपको वो फोल्डर का नाम देना है जिस फोल्डर के अंदर जाना है। तो मान लीजिए मुझे टेक स्टार फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैं यहाँ पर CD स्पेस लिखूंगा टेक स्टार। तो जैसे ही लिखूंगा हम लोग उस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग उसी फोल्डर के अंदर आ गए, यानी कि इस टेक स्टार फोल्डर के अंदर अब हम लोग इस प्लेस पे कहीं पर रिसाइड कर रहे हैं दोस्तों। ये होती है दोस्तों फोल्डर बनाना और फोल्डर के अंदर घुसना। अब दोस्तों फोल्डर से बाहर निकलना होगा, तब क्या करेंगे दोस्तों? फोल्डर से बाहर निकलने के लिए मिलता है CD डॉट डॉट, यानी कि चेंज डायरेक्टरी करो, लेकिन ये वाली डायरेक्टरी नहीं दोस्तों, इससे दो डॉट पहली वाली डायरेक्टरी, यानी कि दोस्तों इससे एक डायरेक्टरी पिछली वाली करो। तो जैसे ही हम लोग CD डॉट डॉट करेंगे तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि एक डायरेक्टरी पीछे चले जाओ, जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ से बैक चले जाओ। यानी कि दोस्तों ये जो आप अप का बटन देख रहे हैं, या फिर दोस्तों जो ये बैक का बटन देख रहे हैं, ये होता है दोस्तों आपको एक डायरेक्टरी ऊपर जाना। उसी तरह से जैसे ही आप CD डॉट डॉट लिखेंगे, डॉट डॉट यानी कि दोस्तों फुल स्टॉप लिखेंगे, डॉट डॉट लिखेंगे दो बार, तो ये जो है दोस्तों आपको बैक चली जाएगी। और बैक जाने के बाद दोस्तों इंटर मारते हैं, आप देखेंगे कि द टेक स्टार फोल्डर में वापस आ जाएगी। तो ये होता है दोस्तों। अब मान लीजिए हमें टेक फोल्डर में जाना है, स्टार फोल्डर में जाना है, उसी तरह हम लोग लिखेंगे CD स्टार। लेकिन चलिए दोस्तों हम लोग स्पेलिंग गलत करके देखते हैं, अभी स्टार्स नाम से कोई फोल्डर नहीं है। तो अगर हम लोग CD स्टार्स करेंगे तब क्या होगा? तो जैसे ही हम लोग इंटर मारेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों बोलेगा कि ऐसा कोई फोल्डर ही नहीं है, क्योंकि ये जो पाथ है ये स्पेसिफाइड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? सही स्पेलिंग लिखेंगे, CD स्टार लिखेंगे, जो कि यहाँ पे फोल्डर बनी हुई है। तो जो भी यहाँ पे फोल्डर बनी हुई है दोस्तों उसी के नाम से देना है। तो अब हम लोग इंटर मारेंगे और आप देख सकते हैं दोस्तों स्टार फोल्डर के हम लोग आ गए हैं। अब दोस्तों स्टार फोल्डर के अंदर आ गए, अब हम लोग और क्या कर सकते हैं? तो हम लोग फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं, चाहे तो आप जितना मन उतना फोल्डर बना दीजिए दोस्तों, जितना मन उतना फोल्डर बना दीजिए दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। MD टेक, MD मेक, MD शाहरुख, MD जो भी है दोस्तों आप बना सकते हैं यहाँ पे। तो MD से दोस्तों आप आसानी से फोल्डर्स वगैरह बना सकते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टरी तो बना लिए, बहुत सारे फोल्डर तो बना लीजिए, लेकिन मान लीजिए कि हमें उन फोल्डर्स को डिलीट करना है, तब क्या करेंगे दोस्तों? डिलीट करने का जो कमांड है वो है RD, और उसके बाद आपको देना है वो फोल्डर का नाम, और वो जो फोल्डर है डिलीट हो जाएगी। तो मान लीजिए मुझे टेक वाला फोल्डर, यानी कि ये वाला फोल्डर को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा? RD लिखूंगा और उसके बाद उस फोल्डर का नाम लिखूंगा। तो RD टेक लिखूंगा और इंटर मारूंगा, तो आप देखेंगे दोस्तों कि वहां से वो फोल्डर जो है वो डिलीट हो जाएगी। उसी तरह से दोस्तों मैं फिर से करूंगा RD, और इस बार मैं करूंगा मेक, तो जो मेक वाली डायरेक्टरी है दोस्तों वो डिलीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं वो डायरेक्टरी डिलीट हो गई। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग आसानी से किसी भी फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए मैं CD डॉट डॉट वापस चला गया, और यहाँ पे दोस्तों मुझे देखना है कि आखिर यहाँ पे कौन कौन से फाइल्स हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। क्योंकि दोस्तों मुझे यहाँ पे अगर देखना होगा कौन कौन से फाइल्स हैं तो यहाँ पे बैक जाना होगा, लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ पे नहीं जाना है, मुझे यहाँ पे इसी में देखना है, इसी ब्लैक विंडो में, इसी डॉस में देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से फाइल्स हैं। तो मुझे देना होगा कमांड जिसका नाम है दोस्तों DIR, और DIR का मतलब होता है दोस्तों डायरेक्टरी, यानी कि ये पूरा का पूरा डायरेक्टरी दिखाएगा कि कौन कौन सा चीज़ है उस डायरेक्टरी के अंदर, कौन कौन से फाइल्स हैं, कौन कौन से फोल्डर्स हैं। तो हम लोग अभी इधर टेक स्टार
डायरेक्टरी के अंदर है, तो यहाँ पे जैसे ही DIR लिखेंगे ये पूरा का पूरा डायरेक्टरी दिखा देगा एंटर मारते ही। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे ही DIR लिखा यहाँ पे पूरा का पूरा डायरेक्टरी दिखा दिया कि ये भी डायरेक्टरी है, ये भी डायरेक्टरी है, ये भी डायरेक्टरी है और ये सब कुछ दोस्तों जो है डायरेक्टरी है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा भी बनाया हुआ फाइल दे रहा है और उस डायरेक्टरी का इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कब बनाया गया है उस फाइल को। जैसे कि ये बनाया गया है दोस्तों 7 मार्च को, और यहाँ पे देख सकते हैं ये चारों फाइल्स दोस्तों 7 मार्च को बनाया गया है क्योंकि हमने अभी अभी जो है बनाया था। बाकी सबका डेट दिया गया है दोस्तों कि आखिर वो सब डायरेक्टरी जो है हमने कब यूज़ किया है, कब बनाया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों हमें इस टेक स्टार डायरेक्टरी को या फिर दोस्तों इस स्टार डायरेक्टरी को डिलीट करना है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये जो स्टार डायरेक्टरी है उसी के अंदर हम लोग यहाँ पे हैं। अब स्टार डायरेक्टरी के अंदर ये कुछ खाली नहीं है क्योंकि दोस्तों स्टार डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी है, पहले वाले तो दोस्तों इम्प्टीट है यानी कि खाली डायरेक्टरी थे तो हम लोगों ने उसे आसानी से डिलीट कर दिया। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग स्टार डायरेक्टरी को डिलीट करेंगे तो इसके अंदर का ये शाहरुख वाला फोल्डर भी डिलीट होगा। तो कैसे डिलीट करना है, तो जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे लिखूंगा RD, जैसा कि आप लोग जानते हैं रिमूव डायरेक्टरी, और स्टार दे दूंगा यानी कि दोस्तों ये डायरेक्टरी का नाम। तो जैसे ही इंटर मारूंगा आप देखेंगे दोस्तों लिखेगा कि ये जो डायरेक्टरी है वो एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। तो कोई भी डायरेक्टरी जो एम्प्टी नहीं हो, खाली नहीं हो, उसे कैसे डिलीट करेंगे, तो हमें लिखना होगा RMDIR और उसके बाद उस डायरेक्टरी का नाम, तो RMDIR स्टार। तो आप देखेंगे दोस्तों कि अभी भी ये लिख रहा है कि ये खाली नहीं है, तो हमें क्या लिखना होगा RMDIR/S और उसके बाद लिखना होगा दोस्तों उस फोल्डर का नाम। तो जैसे ही ये लिखेंगे अब ये पूछेगा कि क्या आपको पूरा का पूरा डिलीट करना है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जब कोई डायरेक्टरी खाली नहीं होता है तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है कि कहीं मेन फाइल्स डिलीट ना हो जाए। तो दोस्तों हमने जैसे ही लिखा RMDIR/S तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि पूरा का पूरा जो भी फोल्डर के अंदर चीज़ें हैं सबको मैं डिलीट कर दूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमें वाई लिखना होगा, वाई का मतलब यस, और उसके बाद वाई लिख के जैसे ही इंटर मारेंगे वो जो स्टार फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने जैसे ही लिखा पीछे जो फोल्डर है वो ऑटोमेटिकली पीछे चला गया क्योंकि दोस्तों हमने स्टार फोल्डर को जो है डिलीट कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों आप डायरेक्टरी को, नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को भी डिलीट कर सकते हैं। एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए बस आपको RD लिखना है और उसके बाद आपको उस फोल्डर का नाम लिखना है। नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए आपको RMDIR लिखना है, उसके बाद /S लिखना है, उसके बाद फोल्डर का नाम लिखना है। तो इस तरह से दोस्तों आप नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को भी डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको Y लिखना है यस, और उसके बाद जो है डिलीट कर देना है। अगर आपको डिलीट नहीं करना है तो N लिखना है। ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों कि आपको कैसे फोल्डर बनाना है, आपको कैसे फोल्डर खोलना है और कैसे आपको फोल्डर को डिलीट करना है। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपको फाइल कैसे बनाना है। तो चलिए सबसे पहले किसी फोल्डर के अंदर चलते हैं। तो मान लीजिए इस फोल्डर के अंदर हम लोग कुछ फाइल बनाना है टेक के अंदर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे फोल्डर के अंदर जाने के लिए, तो चेंज डायरेक्टरी CD और TECS टेक। तो हम लोग आ गए टेक फोल्डर के अंदर। अब इस फोल्डर के अंदर हमें कुछ फाइल बनाना है, तो मान लीजिए दोस्तों हमें कुछ फाइल बनाना है, तो फाइल बनाने के लिए क्या लिखते हैं, तो कॉपी स्पेस कॉन। और ये जो कॉपी कॉन कमांड है दोस्तों मुझे नहीं पता कि आखिर ये कॉपी कॉन क्यों है, क्यों नहीं फाइल है, क्यों नहीं कुछ और है, लेकिन दोस्तों जो भी है कॉपी कॉन लिखना है। अब हमें उस फाइल का नाम देना है कि आखिर वो फाइल जो है किस नाम से बनाना है। जी हाँ दोस्तों, आखिर हमें वो फाइल किस नाम से बनाना है ये भी तो स्पेसिफाई करना होगा। तो मान लीजिए दोस्तों हम देंगे कॉपी कॉन शाहरुख, तो जैसे ही हम लिखेंगे कॉपी कॉन शाहरुख इसका मतलब हो गया दोस्तों कि हमें जो है कॉपी कॉन यानी कि शाहरुख नाम से फोल्डर बनाना है। तो जैसे ही इंटर मारेंगे अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल ही ब्लैंक। यहाँ पे देखेंगे आप कि बिल्कुल ही ब्लैंक जो है ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब यह है कि अब आपको आपने वो फाइल बना लिया लेकिन आप उस फाइल में कुछ लिखेंगे तो ज़रूर, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई फाइल बाजार से भी खरीदते हैं तो उसे खाली तो नहीं रखते हैं, उस फाइल के अंदर कुछ पेपर भी रखते हैं, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें को लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लीजिए लिख देता हूँ दोस्तों I am a good boy, हूँ ना भाई, गुड बाय हूँ ना। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ I am a good boy और उसके बाद मैं इंटर मारूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि I am a good boy नाम से शाहरुख नाम का फुल फाइल जो है यहाँ पे जनरेट हो गया। अब दोस्तों अभी भी जो हमारी फाइल है वो पूरी तरह से सेव नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों हमने जो है अभी भी लिखना शुरू किया है और अभी हम लिख ही रहे हैं। तो इसमें आपको जो भी चीज़ ऐड करना हो दोस्तों वो चीज़ें आप जो है ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों मान लीजिए कुछ भी आपने लिख लिया और लिखने के बाद दोस्तों अगर मान लीजिए आपको सेव करना है तब क्या करना है, तो हमने अपने फाइल में कुछ चीज़ों को लिख लिया। अब दोस्तों सेव करने के लिए कंट्रोल बटन दबाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कंट्रोल बटन दबाना होगा कीबोर्ड पे। अब कंट्रोल बटन कौन सा है तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये हमारा कीबोर्ड, तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों CTRL ये है कंट्रोल बटन। तो आपको कंट्रोल बटन दबाना है और ये Z बटन दबाना है दोनों एक साथ, उसके बाद हमारी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे
मैं कंट्रोल दबाऊंगा और जेड दबाऊंगा, तो आप देख सकते हैं जेड के ऊपर एक छोटी सी एरो आ गई। और इसके बाद मैं जैसे ही इंटर मारूंगा तो हमारी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी और लिख देगा कि आपका एक फाइल जो है कॉपी कर दिया गया है, लिख दिया गया है। तो इसलिए ये नाम था दोस्तों कॉपी कॉन, क्योंकि हमारे फाइल को कॉपी करता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो ये फाइल है ये फाइल के तौर पर ही बनी है, यानी कि इस फाइल का ना तो कोई दोस्तों यहाँ पे कुछ नाम है, ना तो कोई दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट फाइल है, बस ये फाइल है दोस्तों। और आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये खोल सकते हैं, आप नोटपैड पे जा करके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट फाइल का जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइल आपके टेक्स्ट फाइल में बने तो आपको कुछ इस तरह का कमांड देना होगा। तो कॉपी कॉन और स्पेस दे करके दोस्तों आपको उस फाइल का एक्सटेंशन भी देना होगा। तो मान लीजिए टेक्स्ट फाइल बनाना है तो डॉट txt बनाना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों कॉपी कॉन, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे टेक स्टार कॉपी कॉन टेक स्टार डॉट txt। तो इससे क्या होगा दोस्तों जो फाइल बनेगा वो डॉट txt फोल्डर फाइल में बनेगा। तो इंटर मारेंगे, अब इसमें हम लिखेंगे दोस्तों आई एम टेक स्टार और उसके बाद मैं इसे सेव कर दूंगा, तो कंट्रोल जेड दबाऊंगा और फिर इंटर मारूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक फाइल बन गई, और इस बार जो बनी है दोस्तों बिल्कुल ही नोट पैड में बनी गई। आप देख सकते हैं दोनों का जो आइकन है वो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये फाइल में बनी है और ये डॉट txt फाइल में बनी है, तो दोनों में अंतर है। तो मैं इस पर जैसे ही टैप करूंगा ये डायरेक्टली नोट पैड में खुलेगा, लेकिन मैं इस पर टैप करूंगा तो मुझे इस पर चूज करना होगा कि नोट पैड में खोलना है। तो ये फर्क है दोस्तों दोनों में, कि आप यहाँ पे एक्सटेंशन दे रहे हैं कि कौन सा एक्सटेंशन में बनेगा, और आप यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं दे रहे हैं, ये बिना एक्सटेंशन का बस एक फाइल है। और यहाँ पे पता चल रहा है कि ये सिर्फ फाइल ही नहीं, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। इस तरह से दोस्तों ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि फर्क है। अब दोस्तों हम लोग बाहर से तो यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोल ले रहे हैं, लेकिन अगर हमें अंदर से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलना होगा, मतलब कि हम लोग यहाँ पे अगर खोलना चाहें कि हम अपने फोल्डर फाइल को खोल करके देखें कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तब क्या करेंगे? तो दोस्तों अगर हमें यहाँ पे कोई भी फाइल को खोलना है तो हम क्या लिखेंगे कि एडिट, और एडिट करके दोस्तों स्पेस देंगे और उस फाइल का नाम लिखेंगे। तो मान लीजिए दोस्तों हमें करना है एडिट शाहरुख, तो हम जैसे ही एडिट शाहरुख करेंगे आप देखेंगे कि हमारा जो फाइल है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो एम एस डॉस है वो एडिट कमांड को नहीं ले रहा है, और हो सकता है कि आपका एम एस डॉस एडिट कमांड को ले ले, लेकिन दोस्तों मेरा एम एस डॉस एडिट कमांड को नहीं ले रहा है। तो मेरा एम एस डॉस विंडोज 10 का नया वाला है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे मुझे लिखना होगा स्टार्ट और फिर उस फाइल का नाम। तो उसके बाद मैं इंटर मारूंगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है स्टार्ट हो गई, और ये पूछ रहा है कि क्या आपको जो है इस फाइल को किस चीज़ से खोलना है। मैं नोटपैड करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फाइल खुल गई। या फिर दोस्तों मैं यहाँ पे करूंगा स्टार्ट टेक स्टार डॉट टी एक्स टी, तो जैसे ही मैं करूंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे नोट पैड में टेक स्टार डॉट टी एक्स टी खुल गई। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर आपको कोई बैच फाइल बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, बिल्कुल ही सेम है, बस आपको वही चीज़ लिखना है फिर से कॉपी कॉन और शाह डॉट बैट। तो बैच फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट बैट, और इंटर मारेंगे उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, कुछ भी बना सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों आप कंट्रोल जे दबा करके इंटर मार सकते हैं और आपकी जो बैच फाइल है वो यहाँ पे बन जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों ये जो बैच फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ बैच फाइल को देखना कैसे है, तो बैच फाइल को देखने के लिए आप फिर से वही लिखेंगे स्टार्ट करके, यहाँ पर मैं एडिट कमांड का इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ आपको कि एडिट इसमें काम कर रहा है कि नहीं लिख कर रहा है। तो मैं लिखूंगा एडिट शाह डॉट बैट, तो आप देखेंगे दोस्तों कि एडिट प्रोग्राम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ये विंडोज 10 है और विंडोज 10 में एडिट कमांड को हटा दिया गया है। तो हमें यहाँ पर यही लिखना होगा स्टार्ट शाह डॉट बैट। तो अब जैसे ही स्टार्ट शाह डॉट बैट लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका शाह डॉट बैट जो है वो खुल जाएगा, और फिर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा कमांड जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूँ दोस्तों जो बैट फाइल है वो एक बैच फाइल होती है, यानी कि दोस्तों आप उसमें अलग अलग बैच के कमांड्स दे सकते हैं। अब जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों टेक स्टार के अंदर है, अब मैं यहाँ पे बैच फाइल में कुछ अलग अलग चीज़ें लिख दूँ, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपको मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ। तो मान लीजिए दोस्तों मैं एक बनाऊंगा यहाँ पे एक बैच फाइल कॉपी कॉन, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ गुरु जी डॉट बैट। तो मैं जैसे ही गुरु जी डॉट बैट बनाऊंगा, अब यहाँ पे मैं इसके अंदर अलग अलग कमांड भी दे सकता हूँ, जैसे कि दोस्तों मैं कमांड दे सकता हूँ cd technical, मतलब कि दोस्तों चेंज डायरेक्टरी नहीं सीडी नहीं सॉरी md technical, मतलब कि दोस्तों मेक डायरेक्टरी टेक्निकल, उसके बाद दोस्तों मेक डायरेक्टरी फेक्निकल, उसके बाद दोस्तों मेक डायरेक्टरी सागर, उसके बाद दोस्तों मेक डायरेक्टरी वानी। इस तरह से दोस्तों मैं देख सकता md करके मैंने ढेर सारे कमांड दे दिया, और दोस्तों मैं यहाँ पे ये सब कमांड्स दे दिया, और उसके बाद दोस्तों मैं इसे सेव कर देता हूँ कंट्रोल जी इंटर। तो उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों एक जो है हमारी बन गई यहाँ पे गुरुजी के नाम से बैच फाइल। अब हमें इस गुरुजी के नाम के बैच फाइल को देखना है तो क्या करेंगे, तो बस हम लिखेंगे स्टार्ट गुरुजी
.NET। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं इंटर मारूंगा, आप देखेंगे कि जितने भी मैंने यहाँ पे कमांड्स दिए हैं जो कि अभी तक प्रोसेस नहीं हुए हैं, इंटर मारने के बाद सारे के सारे कमांड्स एक साथ प्रोसेस हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, इंटर मारते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने चारों के चारों कमांड्स जो है यहाँ पर प्रोसेस हो गए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों के चारों फोल्डर जो हैं वो यहाँ पर बन गए हैं। तो ये होती है दोस्तों बैच फाइल, जिसे हम लोग कहते हैं .BAT। इससे दोस्तों फ़ायदा यह है कि आप बहुत सारे कमांड्स एक साथ कंपाइल कर सकते हैं और आप उसे रन कर सकते हैं, और एक तरह का दोस्तों आप छोटा सा सॉफ्टवेयर ही बना सकते हैं जो कि दोस्तों वो सॉफ्टवेयर काम करेगा आपका फोल्डर बनाने का। तो ये होता है दोस्तों बैच फाइल। अब दोस्तों मान लीजिए किसी भी फाइल को डिलीट करना है, तब क्या करेंगे? तो डिलीट करने के लिए दोस्तों, फाइल को डिलीट करने के लिए सिंपल आप डेल कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेल का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, और डेल /shar.bat करेंगे, तो आप देखेंगे दोस्तों कि जो /shar.bat है वो डिलीट हो जाएगी। डेल guruji.bat करेंगे तो देखेंगे दोस्तों कि जो guruji.bat है, यानी कि दोस्तों जो गुरुजी का फाइल है .bat फाइल, वो डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप फाइल डिलीट कर सकते हैं। डेल शाहरुख करेंगे तो शाहरुख डिलीट हो जाएगी, लेकिन दोस्तों आपको एक्सटेंशन के साथ देना होगा, जो भी चीज़ डिलीट करना है वो एक्सटेंशन के साथ देना होगा। और अगर मुझे फोल्डर डिलीट करना है तो मैं RD करूँगा और RD टेक्निकल करूँगा, यहाँ पर जो है फोल्डर जो है डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप डिलीट कर सकते हैं किसी भी फाइल को या फिर दोस्तों किसी भी फोल्डर को। अब दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अभी हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता रहा था कि आपको फोल्डर से बाहर कैसे निकलना है। दोस्तों फोल्डर से बाहर निकलने के लिए हम लोग अप का कमांड का इस्तेमाल करते हैं, अप करते हैं तो फोल्डर से बाहर जाता है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए हमें डायरेक्टली दोस्तों एकदम पूरा का पूरा बाहर जाना है, जैसे कि हम लोग दोस्तों इतना ज़्यादा अंदर सी ड्राइव के अंदर, यूज़र के अंदर, टेक स्टार के अंदर, टेक के अंदर है, लेकिन दोस्तों हमें डायरेक्टली सी ड्राइव के अंदर जाना है, तब क्या करेंगे? दोस्तों यहाँ इसके लिए हमें कमांड आता है CD। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, CD .. से एक फोल्डर के बाहर जाता था, ठीक है? लेकिन दोस्तों अगर आप CD .. करेंगे तो इससे दोस्तों दो फोल्डर के अंदर चला जाएगा, मतलब कि दोस्तों CD के बाद #4 करेंगे तो दो फोल्डर के बाहर चला जाएगा। तो दो दो डॉट करेंगे तो एक फोल्डर के बाहर, #4 करेंगे तो दो फोल्डर के बाहर, #6 करेंगे तो तीन फोल्डर के बाहर। चलिए मैं आपको इसका जो है एग्जांपल दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं DIR करूँगा और चलता हूँ किसी फोल्डर के अंदर, तो मैं करूँगा CD Tech, फिर मैं DIR करूँगा, फिर मैं चलता हूँ दोस्तों CD Sagar, और यहाँ पे हम लोग दोस्तों सागर के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पे DIR करूँगा तो इसके अंदर तो कोई फाइल नहीं है, तो कोई फाइल नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हमें क्या करना है कि सागर से हमें डायरेक्टली जंप मारना है टेक स्टार पे, यानी कि दोस्तों अगर हम लोग CD .. करेंगे तो सिर्फ सागर के बाहर जाएगा, लेकिन हमें टेक के बाहर भी जाना है। तो अगर हमें टेक के बाहर जाना है दोस्तों, हमें यहाँ पे 4 बार डॉट देना होगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग 4 बार डॉट देंगे, आप देखेंगे दोस्तों कि डायरेक्टली ये टेक स्टार के बाहर चला जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि विंडोज़ 10 में ये चीज़ सपोर्ट नहीं है। विंडोज़ 10 में इस चीज़ को, इस सपोर्ट को हटा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर काम नहीं कर रहा। और ये चीज़ मुझे पता नहीं थी दोस्तों, लेकिन दोस्तों अभी मैं ये कमांड को एक्सेक्यूट कर रहा हूँ तब जाके मुझे पता चल रहा है कि विंडोज़ 10 में इसको हटा दिया गया है। हालांकि दोस्तों मैं जब विंडोज़ 98 पे सीखता था तब ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से काम करता था। लेकिन चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्टली आप पूरा बाहर कैसे जा सकते हैं, यानी कि अगर आपको डायरेक्टली सी ड्राइव पर जाना है तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड आता है दोस्तों CD/, और जैसे ही CD/ डालकर इंटर मारेंगे, आपका जो कमांड है वो बाहर चला जाएगा। तो दुआ करता हूँ कि ये प्रोग्राम, ये जो है कमांड, तो वापस नहीं गया हो, विंडोज़ 10 में नहीं हटाया गया हो। तो इंटर मारता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं डायरेक्टली ये सी ड्राइव के बाहर आ गई, यानी कि पूरा का पूरा सी ड्राइव के अंदर आ गई दोस्तों, यूजर्स के बाहर आ गई, द टेक स्टार के बाहर आ गई। तो ये काफ़ी आसान है। अगर आपको किसी भी ड्राइव में स्विच करना है, यानी कि सी ड्राइव से डी ड्राइव में जाना है, तो बस डी लिखना है और उसके बाद सेमी कोलोन देना है, और उसके बाद इंटर मारना है तो डी ड्राइव में आ जाएगा। सी लिखना है तो सी में सेमी कोलोन मारना है, और उसके बाद जो है सी ड्राइव में आ जाएगा। तो इस तरह से आप दोस्तों ड्राइव को स्विच कर सकते हैं आसानी से, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों किसी भी फोल्डर को देखना है तो DIR करेंगे फोल्डर के अंदर क्या है, और उसके बाद उस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों हमें इस प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर के अंदर जाना है, तो लिखेंगे CD प्रोग्राम स्पेस फाइल्स, और उसके बाद ये प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आ जाएगा। तो ये काफी अच्छी बात है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे बहुत ही ज़्यादा कचरा हो गया है, और CMD का स्क्रीन हम लोग चाहते हैं कि क्लियर कर दे, तो कैसे करेंगे? तो उसका जो कमांड आता है वो आता है CLS, और CLS का मतलब होता है दोस्तों क्लियर स्क्रीन। तो जैसे ही आप CLS करके इंटर मारेंगे, आपकी जो स्क्रीन है वो पूरी की पूरी दोस्तों जो है क्लियर हो जाएगी। मैं शुरू में बताना भूल गया, लेकिन आप लोग से कहना चाहूँगा कि आप लोग पूरा का पूरा जो भी मैं कमांड बता रहा हूँ और उसे आप लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपको याद रहेगा। दोस्तों CLS से हमने क्लियर स्क्रीन कर दिया। अब दोस्तों मान लीजिए हमें किसी फाइल को कॉपी करना है, मूव करना है, तब हम लोग क्या करेंगे? तो दोस्तों चलिए हम लोग फिर से चलते हैं अपने उस फोल्डर में, टेस्ट फोल्डर में, जहाँ पर हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे। तो DIR CD यूज़र्स के अंदर थे हम लोग, DIR CD द टेक स्टार के अंदर थे हम लोग, तो द टेक स्टार के अंदर जाऊँगा, फिर से DIR करूँगा डायरेक्टली, तो हम लोग टेक के अंदर चलते हैं CD Tech। तो दोस्तों यहाँ पे DIR करेंगे,
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक स्टार डॉट टी एक्स टी अभी भी अवेलेबल है। तो मान लीजिए हमें ये टेक स्टार डॉट टी एक्स टी को यहाँ से कॉपी करना है और हमें डी ड्राइव में रखना है, तब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉपी टेक स्टार डॉट टी एक्स टी टू डी ड्राइव। ये होता है दोस्तों पूरा का पूरा कमांड। सबसे पहले कॉपी देना है, उसके बाद कौन से फाइल को कॉपी करना है उसका नाम देना है, उसके बाद दोस्तों कहाँ पे कॉपी करना है वो देना है। तो जैसे इंटर मारेंगे वो जो टेक स्टार डॉट टी एक्स टी है डी ड्राइव में चली जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लिख दिया वन फाइल्स कॉपीड। अब हम लोग डी ड्राइव में जा कर के देखते हैं कि क्या आया है। तो डी ड्राइव लिखेंगे, फिर डी आई आर लिखेंगे, देखेंगे डायरेक्टरी में है कि नहीं। तब देखेंगे कि डी ड्राइव में भी टेक स्टार डॉट टी एक्स टी आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने टेक स्टार टी एक्स टी को जो है आसानी से कॉपी कर लिया। अब इसे हम लोग चलिए कर लेते हैं डिलीट, तो डेल टेक स्टार डॉट टी एक्स टी और यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों लोग चलते हैं सी ड्राइव में, और सी ड्राइव में चलने के बाद इस बार मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको किसी भी फाइल को मूव कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों अभी हमने कॉपी किया था और मूव का मतलब ये होता है कि यहाँ से उठा करके वहाँ डालूँ, तो जेरोक्स नहीं करना है। इस बार हमें पूरा का पूरा सामान को ही उठा करके वहाँ डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मूव कमांड का इस्तेमाल, मूव स्पेस फिर फाइल नेम देंगे टेक स्टार डॉट टी एक्स टी, जैसा भी हमारा फाइल नेम है, और उसके बाद दोस्तों उस ड्राइव का नाम देंगे जहाँ हमें मूव करना है। तो हम लोग करेंगे मूव टेक स्टार डॉट टी एक्स टी। अब एक बात मैं आपको बता दूँ, आप आपको उस ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर के अंदर डालना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे मेरा डी ड्राइव है और मुझे टेक स्टार डॉट टी एक्स टी को कैमरा फोल्डर के अंदर डालना है, या फिर दोस्तों मान लीजिए मुझे सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर डालना है, तो इस सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर कैसे डालूंगा दोस्तों, कुछ इस तरह से लिखना होगा। तो जैसे ही मैंने लिख दिया दोस्तों मूव टेक स्टार डॉट टी एक्स टी, उसके बाद मैं लिखूंगा कि किस ड्राइव में डालना, तो डी ड्राइव में। उसके बाद दोस्तों मुझे स्लैश देना होगा और उसके बाद दोस्तों उस फोल्डर का नाम देना होगा जिस फोल्डर के अंदर मुझे डालना है। तो डी ड्राइव में सॉफ्टवेयर लिखूंगा और उसके बाद जैसे इंटर मारूंगा तो ये जो है उसी फोल्डर के अंदर मूव हो जाएगी जहां पे हमने देखा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे मूव हो गई। तो ये है पूरा का पूरा तरीका दोस्तों, फोल्डर के अंदर फोल्डर करना है तो स्लैश आप देते जाएंगे और स्लैश दे दे के उस फोल्डर का नाम लिखते जाएंगे, तो ये मूव होते जाएगा। तो ये काफी अच्छी चीज है दोस्तों, काफी आसानी से आप कमांड को समझ पा रहे हैं कि आखिर आप किस तरह से फोल्डर को मूव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डी ड्राइव में भी चल के देख सकते हैं। सबसे पहले इसका डी आई आर चेक कर लेते हैं कि क्या अब यहाँ पे हमारा टेक स्टार बचा या नहीं बचा, क्योंकि हमने मूव किया है तो नहीं बचना चाहिए। तो जैसे इंटर मारेंगे दोस्तों आप देखें कि यहां से टेक स्टार डॉट टी एक्स टी चला गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं डी ड्राइव में और हम लोग करते हैं सी डी सॉफ्टवेयर्स। तो आप देखेंगे दोस्तों सॉफ्टवेयर के अंदर डी आई आर करके, तो यहां पे हमारा टेक स्टार डॉट टी एक्स टी जो है वो आ गया है। अब दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप किसी भी फाइल को रीनेम कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसका नाम कैसे बदल सकते हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे डॉट टेक स्टार डॉट टी एक्स टी है, तो इसे मैं कैसे नाम बदल करके शाहरुख डॉट टी एक्स टी कर सकता हूँ। दोस्तों नाम बदलने के लिए जो कमांड आता है वो आता है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे REN। REN का मतलब होता है दोस्तों रेन, और उसके बाद किस फाइल का हम लोगों को नाम बदलना है। दोस्तों मान लीजिए हमें टेक स्टार का नाम बदलना है, तो यहाँ पर हम देंगे REN टेक स्टार डॉट टी एक्स टी। अब यहाँ से दोस्तों हमें किस नाम में बदलना है, तो टेक स्टार डॉट टी एक्स टी से हमें करना है शाहरुख डॉट टी एक्स टी में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नाम देते हैं, रेन का कमांड देते हैं कि हमें क्या करना है, उसके बाद देखते हैं किस फाइल का नाम बदलना है, उसके बाद देखते हैं कि किस फाइल में नेम बदलना है, और उसके बाद जैसे ही हम लोग इंटर मारेंगे दोस्तों हमारा जो टेक स्टार डॉट टी एक्स टी है वो बदल जाएगा हमारा दोस्तों शाहरुख डॉट टी एक्स टी में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी आसान चीज़ है दोस्तों। अब एक बात मैं आपको बता दूँ, आपको जिस फाइल का भी नाम बदलना है आपको उस फोल्डर में जाना होगा। जैसे कि अभी हम लोग डी ड्राइव के सॉफ्टवेयर में हैं, तो हमने आराम से टेक स्टार डॉट टी एक्स टी को कर दिया, लेकिन दोस्तों अगर हम लोग डी ड्राइव में रहते और सॉफ्टवेयर के अंदर का बदलना चाहते तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप उस घर में नहीं है, आप उस फोल्डर में नहीं है। तो आप अभी डी ड्राइव में हैं तो आप ये शाहरुख का नाम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई भी शाहरुख नाम की फोल्डर ही नहीं है। तो इसलिए आपको जिस फाइल का भी नाम बदलना है आपको उस फोल्डर के अंदर जाना होगा, या फिर जिस फोल्डर का भी नाम बदलना है आपको उस फोल्डर के फाइल के अंदर जाना होगा, तभी जाकर आप नाम बदल सकते हैं। अब दोस्तों ये सब कुछ चीज़ें आपने सीख लिया, अब हो सकता है कि मैं जो है बहुत सारी चीज़ों को भूल गया हूँ, पता नहीं ध्यान में नहीं है कि और क्या क्या कमांड होता है, लेकिन कुछ बेसिक से कमांड थे, जैसे डेट देखना है तो डेट पे करेंगे, और न्यू डेट सेट करना है तो यहाँ पे डी डी एम एम वाई एम में लिख करके डेट को सेट कर सकते हैं, या फिर टाइम देखना है तो टाइम लिखेंगे और यहाँ पे टाइम बता देगा, नया टाइम सेट भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप चाहें तो एम एस डॉस का वर्जन देख सकते हैं वी ई आर लिख करके। तो ये सब कुछ बेसिक से कमांड्स थे जो कि मैंने सीखे थे, लेकिन बहुत सारे कमांड्स तो मैं भूल गया हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको एम एस डॉस को बंद करना है तो आप यहाँ से तो बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विंडोज़ 98 चला
चलाते हैं, तो विंडोज़ 98 में ये कभी भी ऑप्शन नहीं मिलता था। तो विंडोज़ 98 में बंद करने का ऑप्शन होता था, एग्जिट लिखना पड़ता था, और जैसे ही हम लोग एग्जिट लिख करके इंटर मारते थे तो जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो बंद हो जाती थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे जो कमांड प्रॉम्प्ट है, जो CMD है, वो बंद हो गई है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि कोई भी अगर आप CMD चलाते हैं तो उसमें आपको विंडोज़ 10 में या विंडोज़ 7 में दो तरह के मिल जाते हैं, एक कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है और एक मिलता है दोस्तों रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का। तो अगर आपको किसी भी सिस्टम फाइल को चेंज करना है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर चलाना होगा, तभी जाके दोस्तों आप यहाँ से जो है किसी भी कमांड को चला सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्यूट कमांड काम नहीं कर रहा, आपको एग्जिट कमांड से ही प्रोग्राम फाइल को बंद करना होगा, CMD को बंद करना होगा। दोस्त मैं हूँ शाहरुख, और मुझे आज आप लोगों को कुछ बेसिक सा कमांड्स बताना था CMD के, जिसे हम लोग कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। तो हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा लंबी ये वीडियो हो गई है, और आप लोगों को हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी समझ में आई होंगी, या हो सकता है बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी होंगी। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आपको मेरे एफर्ट पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।